सर बोलिए ना क्या बात है। नहीं वो श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। सर वो इस कैबिन में। सर एक गोली लगी है सीने में। देखो जरा शरीर से गोली बाहर निकलने का कोई निशान है क्या? नहीं सर कोई एग्जिट वोल नहीं है। गोली बाहर निकलने का कोई जख्म नहीं है। लाश किधर? सर अंदर आइए। सर आए थे क्या बात है? तुम्हारा खास दोस्त कहाँ है? अभिजीत? इस आदमी के शरीर में गोली लगी है और कोई एग्जिट वुंड नहीं है। सर कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। एक्सक्यूज मी। हाँ प्लीज प्लीज। तारीख क्या हुआ है? ये तो एकदम उखड़ गया था। कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता है सर। क्या नाम है आपका? जी श्लोक। कितने लोग काम करते हैं यहाँ ऑफिस में? कोई 20-22 लोग। 20-22 लोग? दिन दहाड़े कोई आपके डायरेक्टर के कमरे के अंदर घुस जाता है, उसे मार देता है और आप में से किसी ने कुछ नहीं देखा? सर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो 1:30 से 2 के बीच हुआ होगा। खून किसने किया वो आप नहीं जानते? खून कितने बजे हुआ ये आपको मालूम है? हाँ सर, क्योंकि सर के केबिन का दरवाजा 1:30 से 2 के बीच अपने आप लॉक हो जाता है। क्यों लॉक हो जाता है? वो तो नहीं पता, सर ने ऐसे ही बनवाया। तो क्या करते क्या थे केबिन में 1:30 से 2 के बीच? सर हो सकता है कि वो अपने वाइफ से बात करता हो और नहीं चाहता हो कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। नहीं सर, सर शादीशुदा नहीं थे। तो फिर करते क्या थे वो? पूजा करते थे, खाना खाते थे, क्या करते? सर वो घर से खाना खा के आते थे। और ये कैबिन का दरवाजा हर रोज ऐसे ही बंद होता था? जी सर। जी सर। तो फिर आज उसी दौरान उनका खून हुआ ये आप लोग कैसे कह सकते हैं? सर ये शालिनी है। सर इनको अंकुश सर से मिलना था, ये दौड़ते हुए उनके केबिन में गई लेकिन। अरे शालिनी तुम भाग के कहाँ जा रही हो? सॉरी रचना, वो बॉस से कुछ अर्जेंट काम है मुझे। सर से मिलने जा रही हो? लेकिन अभी तो 1:30 बजने वाले हैं, केबिन बंद हो जाएगा उनका। पता है इसलिए तो जल्दी जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी।
और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों का मानना है कि दरवाजा बंद होने के बाद उनका खोलो। हाँ सर। सर कैबिन में कोई हथियार नहीं मिला। सर हो सकता है कमरे में कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे गोली खुद ब खुद चल गई हो। डॉक्टर साहब, ये खूनी कहाँ खड़ा होगा जब उसने गोली चलाई? ये देखो, यहाँ टेबल पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है खूनी वहां खड़ा था जहां तुम खड़े हो, और ये अंकुश यहां था। सामने से खूनी ने गोली चलाई जो अंकुश के सीने में आकर के लगी, और गोली लगते ही अंकुश यहां जमीन पर गिर गया। और अगर गोली किसी मैकेनिज्म से चलाई गई है तो मैकेनिज्म इसी लाइन में होनी चाहिए। बिल्कुल। निखिल जरा देखो कोई मैकेनिज्म दिखता है क्या? मैकेनिज्म? हाँ, जिस वक्त अंकुश की मौत हुई उस वक्त ना कोई कमरे में बाहर से अंदर आया और ना कोई अंदर से बाहर गया। आप लोगों को पता है कि मौत कितने बजे हुई? हाँ, ऑफिस स्टाफ का कहना है कि दोपहर को 1:30 to 2 के बीच। सही है, रायगर मोर्टिस लाश की जकड़न भी यही बता रही है। सर, यहां तो कोई मैकेनिज्म दिख नहीं रहा। सर यहां भी ऐसी कोई चीज दिखाई दे नहीं रही है। कमरे में कोई आया नहीं और कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, तो फिर इस आदमी को गोली लगी कैसे? कि ऐसा तो नहीं कि ये दरवाजा लॉक होने से पहले इसे गोली लगी हो? एक बात बताइए, आप में से किसी ने ये दरवाजा बंद होने से पहले अंकुश को जिंदा देखा था? नो सर। नहीं सर। ठीक है, एक काम करो, शुरू से बताओ जब आपके बॉस अंकुश यहाँ इस ऑफिस में आए। सर वो बहुत परेशान थे और उन्होंने कृतिका को अपने केबिन में बुलाया। ओके सर। रचना क्या हुआ? बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है, कृतिका को अंदर बुलाया है। क्या हुआ कृतिका? रो क्यों रही हो? कुछ अरे बताओ ना, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो कृतिका। ये कृतिका अभी कहाँ है? ऑफिस से चली गई क्या वो? नहीं सर, उसका बैग तो यही है। जब कृतिका कैबिन से बाहर निकली तब अंकुश जिंदा था? हाँ सर। उसके बाद कौन गया कैबिन के अंदर? देखिए, हम एक सवाल दो बार नहीं पूछेंगे आप लोगों से। हम यहां ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बॉस का खून किसने किया, और इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है।
और आपके ऐसे चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बताइए कृतिका के बाहर आने के बाद अंकुश के कैबिन में कौन गया था? सर, त्र्यंबक, रचना और मैं। उस वक्त कितने बजे थे? क्या हुआ, आपने हमें बुलाया? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। क्या सर, क्या नहीं हुआ? ईमानदारी नहीं हुई, वफादारी नहीं हुई। सर, हमको समझे नहीं। देखो तुम तीनों बहुत मुश्किल में हो। मुश्किल में? हाँ, मुझे ये पता चला है कि तुम तीनों में से कोई एक हमारे डिजाइन्स कंपेटिटर्स को बेच रहा है। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे कंपटीटर्स है कौन। मेरे पास सबूत है और मैं तुम तीनों को जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चुपचाप शाम के 5 बजे तक मुझे बता दो वो आदमी कौन है। हाँ, उसकी नौकरी तो नहीं रहेगी, लेकिन उसे मैं जेल जाने से जरूर बचा लूंगा। लेकिन सर, हम लोग, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, जितना मैंने कहा है उतना करो। तो कोई कंपनी के सीक्रेट्स बेच रहा था? हाँ सर, अंकुश जरूर भड़का होगा इस धोखे से। कोई भी भड़केगा। बहुत तकलीफ होती है जब उसका कोई करीबी उसे धोखा देता है। तुम तीनों में से कोई एक धोखेबाज है, वरना अंकुश सिर्फ तुम तीनों से पूछताछ क्यों करेगा इस बारे में? सर, हम बेकसूर हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों ने ही मारा अंकुश को और अब ये बेकसूर होने का नाटक कर रहे हो। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि क्या है सच और क्या है झूठ। तुम कितने बजे अंकुश के कैबिन से बाहर गए थे? सर, ये कोई 1:15 हो रहा होगा। पर वो जिंदा थे जब तुम बाहर आए? हाँ मैम जी। तो उसके बाद कौन गया था कैबिन में? सर, मुझे पता नहीं है। मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा सर। मैंने भी किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। सर, सबका जवाब एक ही है। सर, समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर, ये खूनी जो कोई भी है, सर इन तीनों के बाहर आने के बाद दरवाजा लॉक होने से पहले अंकुश केबिन में घुसा होगा और अंकुश का खून करने के बाद शालिनी के आने से पहले निकल गया होगा। कौन हो सकता है? तो कमरे के अंदर घुसा और किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा। अंकुश के कमरे से बाहर निकलने के बाद तुम तीनों कहां थे? सर, हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए थे झूठे लगे इल्जाम के बारे में बात करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम बाहर लंच के लिए आए तो देखा शालिनी अंकुश जी के रूम की तरफ जा रही थी। 1:15 से लेकर शालिनी के कमरे के बाहर आने तक किसी ने किसी को कमरे के अंदर जाते हुए देखा? सर, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कृतिका ही ये सब देखती थी। कृतिका है कहाँ? पता नहीं सर, वो टाइम से हमने उसे देखा नहीं। तो उसे देखो, जब तक कृतिका नहीं मिल जाती कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज क्यों नहीं देखते? उसमें पता चल जाएगा। तुम कौन हो? जी, मैं सुमित, कृतिका का बॉयफ्रेंड। और ये सीसीटीवी कैमरे के बारे में क्या बता रहे हो? कृतिका ने मुझे बताया था कि बॉस ने स्टाफ पे नजर रखने के लिए उसके डेस्क पे एक सीक्रेट कैमरा लगा रखा था। सीक्रेट कैमरा? कैमरा दिख ही नहीं रहा। खुफिया कैमरा है, छुपा के रखा होगा।
ये देखो, लाफिंग बुद्धा की आंखों में कैमरा। निखिल, पता करो इसका रिसीवर कहाँ है। रिसीवर मिला? हाँ सर, उस सीक्रेट कैमरा का रिसीवर मिल गया है। गुड, जरा फुटेज प्ले करो। देखते हैं रचना त्रिंबक और श्लोक के निकलने के बाद अंकुश के कमरे में कौन गया था। तीनों ने कृतिका के बारे में जो कहा था वो तो सही निकला। अब आगे देखते हैं। देखते हैं इस खुफिया कैमरा की आंखों ने ऐसा कुछ देखा है कि जो यहां काम करने वाले 20-22 लोगों ने नहीं देखा, और अंकुश की मौत हो गई। एक मिनट रोको सर, ये आदमी कौन है? ट्रिगर फॉर्ड करो सर। बस इसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है। ये आदमी कैबिन के अंदर गया एक 20 को, बाहर निकला एक 25 को, और बड़ी हड़बड़ाहट में निकला है बाहर। निकले काम करो, ऑफिस स्टाफ मेंबर्स को बुलाओ। अरे हाँ, उस वॉचमैन को भी लेके आओ अंदर। आइए सर। देखिए इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, हमने इन्हें कभी ऑफिस में नहीं देखा। तुम? नहीं सर, इससे पहले मैंने कभी इसे देखा नहीं। श्लोक? नहीं सर, मैंने भी इसे नहीं देखा। वॉचमैन, तुम तो एंट्रेंस में थे, तुमने तो देखा होगा साथ ही जाते। हाँ, पहचानते हो कौन है? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अरे तो फिर ये अंदर आया कैसे? उड़ के आया क्या? मेरा एक फोन आया था, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ी दूर चला गया था, शायद ये तब आया होगा। अच्छा निखिल, एंट्रेंस में जो कैमरा है उसका फुटेज चेक करो। एक मिनट, इसे हमको फ्रीज करो। ये सुमित, कृतिका तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। आई, तुम्हें कुछ नहीं होगा कृतिका, तुम ठीक हो जाओगे। संभल के। ये मैं नहीं जा रहा। ये क्या कर रहे हैं? कृतिका के पास मेरा रहना जरूरी। तुम आज इस ऑफिस में इससे पहले भी आए थे? हाँ, कृतिका बहुत परेशान थी, उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। अंकुश का खून करने के लिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सच है वही कह रहे हैं, समझे? तुम अंकुश के कैबिन में घुसे, उसका खून करके वहां से निकल गए, और तुम कृतिका से मिले भी नहीं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। चल अंदर चल, तेरी राम कहानी हम लोग वहीं सुनेंगे। सर सर सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। तुम्हारे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम जानते हैं कि अंकुश का खून तुमने किया है। कार सर,
अगर मैंने उसका खून किया होता तो मुझे अपना गुनाह कबूल करने में खुशी होती। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। तुम अंकुश को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो कृतिका को परेशान कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। कहता था कि अगर शादी नहीं करोगी तो उसे नौकरी से निकाल देगा। बार बार अपने एमडी होने की धमकी देता था। क्या करती बेचारी कृतिका, उसके ऊपर उसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। इसीलिए तुमने बदला ले लिया अंकुश का खून करके? हा? नहीं सर, तब मुझे कृतिका ने बुलाया था, वो बहुत रो रही थी। अंकुश ने फिर से उसे धमकी दी थी, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे वो नहीं दिखी। तब मैं जाकर अंकुश को धमकाया और वहां से बाहर चला गया। कौन है तुम? बहुत हो गया अंकुश, कृतिका से दूर रहना, वरना वरना क्या करोगे? जान से मार दूंगा तुझे। अरे जा, जो करना है कर, कृतिका सिर्फ मेरी बनेगी। अंकुश, तू यहां से निकल रहा है या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? आउट। अभी तो जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और तब तुझे मुझसे बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हमारे पास सबूत है, तुम 1:20 में अंकुश के कमरे के अंदर गए थे और ठीक 1:25 को बाहर निकले थे, क्यों? फिर भी मैं बार बार यही कहूंगा कि मैंने खून नहीं किया है। देखो सुमित, दया सर को गुस्सा मत दिलाओ, सीधी तरीके से मान जाओ कि खून तुमने किया है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की स्टाफ शालिनी जब कैबिन में गई तब अंकुश मरा पड़ा था। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए आप लोग। याद दिखा हाथ। गन पाउडर की स्मेल, स्प्रे देना। एक मिनट, तुम्हारी उंगलियों पे गन पाउडर है, इसका मतलब है हाल ही में तुमने गोली चलाई है। नहीं सर, अंकुश का खून तुमने ही किया है। मैंने गोली नहीं चलाई है सर। तो फिर ये गन पाउडर तुम्हारी उंगलियों पे कैसे है? सर, सर प्लीज सर मेरा विश्वास। गन पाउडर कैसे आया तुम्हारे हाथ पे? सर वो मेरे पास मेरी अपनी गन, उससे गलती से चल गई थी जब मैं आज अपने घर पर था। तुम्हारे पास अपनी गन है, लाइसेंस है? नहीं। तो गैर कानूनी तरीके से गन रखी थी तुमने? हा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अंकुश को मारने के लिए। अगर आज उसे कोई नहीं मारता तो मैं शायद उसे जरूर मार देता। तो गन कहाँ रखी है तुमने? बाहर फ्लावर पॉट में। गन को बाहर क्यों छोड़ा तूने? क्योंकि कृतिका ने मुझे कसम दी थी कि मैं अपने साथ गन अंदर लेकर ना आऊं, वरना गुस्से में कहीं उसके बॉस को मारना था, इसलिए बाहर छोड़ दी। चल दिखा वो गन कहाँ है। ये तुम्हारी का? हाँ सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरी गन को चेक क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं इसे ऑफिस में लेकर गया ही नहीं था, दोनों बार प्लांट में ही छिपा दिया था। तुम कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ अभी पता चल जाएगा। भैया तो मैच होती है, ये गोली और अंकुश के शरीर में जो गोली मिली है वो गोली, दोनों मैच होती है। इसका मतलब साफ है अंकुश को इसी गन से गोली मारी गई है। अब बोलो
तो तुमने दोनों बार ये गन ऑफिस के बाहर वाले गमले में छुपा दी थी। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अंकुश को नहीं मारा। जब मैं उसके केबिन से बाहर निकल रहा था तो वो जिंदा था। जरूर जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब तुम्हारी गन अपने आप गमले से बाहर आई, अंकुश जी को गोली मारी और फिर आके गमले में छुप गई। और ये चिकानी है सर? अरे मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए। एक सेकंड। कॉल। क्या? हाँ, मुझे याद आ गया। जैसे ही मैं अंकुश के केबिन से बाहर निकल रहा था उसके मोबाइल पर एक कॉल आया था। और उसने वो कॉल रिसीव किया था? हाँ। बोल। अंकुश का मोबाइल चेक करो। सर अगर अंकुश ने ये कॉल रिसीव किया है तो शायद वो तुम्हारे निर्दोष होने का सबूत हो। सर अंकुश को 1:25 पर कॉल आया था सर, और 7 मिनट तक कॉल चली थी। 7 मिनट? 1:25 को कॉल आया था। दरवाजा बंद होता है ठीक 1:30, यानी कि दरवाजा बंद होने के 2 मिनट बाद तक ये कॉल चला। सर शायद वो जिंदा था। पंकज इस नंबर पर कॉल करके चेक करो कि वाकई इस आदमी की अंकुश से बात हुई थी कि नहीं। अंकुश नहीं, मैं CID ऑफिसर पंकज बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने आज अंकुश को फोन कॉल किया था? आपकी बात हुई थी उससे? अच्छा लगभग कितने मिनट तक बात हुई थी? 5 से 7 मिनट। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं कोई टेंशन। सर 7 मिनट तक बात हुई थी सर। देखा सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अंकुश को नहीं मारा। इसका मतलब सुमित खूनी नहीं है। तो फिर खूनी कौन है? कहीं खूनी पहले से ही तो कैबिन में छुप कर नहीं बैठा था, और दरवाजा लॉक होते ही उसने अंकुश को गोली मार दी और फिर वहां बैठकर इंतजार कर रहा था। और जब 2 बजे बाकी का सारा स्टाफ अंदर आया कैबिन में अंकुश की लाश देखने, तो मौका देखकर वो भी उनके साथ निकल गया। ये देखिए सर, शालिनी के चीखने के बाद जो 6 लोग कैबिन के अंदर आए थे वही 6 लोग कैबिन से बाहर गए। इसका मतलब है कैबिन के अंदर कोई छुपा हुआ नहीं था। कैबिन के अंदर कोई छुपा हुआ नहीं था, इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आया, और अंकुश इस कमरे में अकेला था जब ये दरवाजा बंद हुआ। तो इस कमरे के अंदर आने का इस दरवाजे के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता है, वही है खिड़की। मगर जब हम लोग इस कमरे के अंदर आए तो ये खिड़की अंदर से बंद थी। तो अगर हम ये मान के चले कि कोई इस खिड़की के जरिए अंदर आया है तो नीचे से ऊपर आना तो बहुत मुश्किल है, और किसी ने तो देखा ही होगा उसे ऊपर आते हुए। दूसरा रास्ता बचता है ऊपर टेरेस से। जरा देखो आसपास, अगर वो खूनी अंकुश के कैबिन में यहाँ टेरेस से गया है तो उसने रस्सी या हार्नेस का इस्तेमाल किया होगा, और अगर ऐसा है तो यहाँ लेज पे कोई ना कोई निशान जरूर होना चाहिए। चेक करो।
ये देखो यहां पर निशान है, ये निशान उसने रस्सी को यहां से बांधा और यहां से नीचे उतरा। इसे ठीक नीचे यहां पे अंकुश का ऑफिस है। अब फिर रस्सी सपोर्ट के लिए शायद वहां उस पर बांधा होगा। ये देखो रस्सी के घिसने का निशान है यहां पे, इसका मतलब है उसने रस्सी यहां इस पाइप पे बांधा और वहां से नीचे अंकुश के कैबिन में गया। कमाल है सर, खूनी इतना कुछ करता रहा लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। खूनी ने जिस तरीके से मेहनत की है खून करने के लिए, उससे तो साफ साफ दिख रहा है सर उसके दिल में कितनी नफरत भरी पड़ी थी अंकुश के लिए। ये पता करना पड़ेगा कि वो है कौन जिसे अंकुश से इतनी नफरत थी, और उसे ये भी पता था कि अंकुश के कैबिन का दरवाजा 1:30 से 2 बजे के बीच बंद होता है। हो ना हो ये कोई ऑफिस का ही आदमी है। खूनी टेरेस से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फिर खिड़की के रास्ते कैबिन में आया। लेकिन आपने तो चेक किया था खिड़की अंदर से बंद थी, जिसका बाहर से खुलना नामुमकिन था। एग्जैक्टली फ्रेडी, इसका मतलब है खून होने से पहले खूनी ने या उसका साथ देने वाला कोई ना कोई इस ऑफिस में था जिसने छुपके से ये लैच खिड़की का लैच खोल दिया ताकि इसे बाहर से खोल सके। फिर सर खूनी ने खिड़की को अंदर से लॉकअप किया। ये शायद तब हुआ होगा जब ऑफिस के बाकी के स्टाफ मेंबर्स अंकुश की लाश देखने के लिए कैबिन के अंदर घुसे। खूनी यहां से अंदर आया और उसने अंकुश को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज नहीं आई, शायद गन पे साइलेंसर लगा हुआ था, और फिर अपना काम करने के बाद खूनी वापस इस खिड़की से ऊपर चला गया। मगर खूनी ने एक गलती कर दी। वो क्या सर? लैच। जब उसने खिड़की खोलने के लिए ये लैच ऐसे खोला होगा, जाहिर सी बात है उसने ग्लव्स पहनने की तकलीफ नहीं की। इसका मतलब खूनी के उंगलियों के निशान उस लैच पे है। हाँ फ्रेडी, और अब ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी के गर्दन तक ले जाएंगे। सर आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि खूनी आप लोगों में से कोई है। ये क्या कह रहे आप सर? सही कह रहे हैं। थोड़ा इंतजार करो, उस खिड़की के लैच पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं अगर वो आप में से किसी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं तो पता चल जाएगा कि अंकुश का खूनी कौन है। ठीक, आप जाइए, आप आइए। दया, इन सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए, अब जरा इन्हें मैच करके देखते हैं। ठीक है सर। हाँ? खूनी ने टेरेस से नीचे उतरने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया था वो रस्सी कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा, वो रस्सी यहाँ ऑफिस में होनी चाहिए, ढूंढो, देखो कहाँ है वो रस्सी। सबसे बड़ा सबूत है, इस फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा बड़ा। अगर वो रस्सी मिल गई तो समझ लो खूनी अपने आप अपने हाथ आ जाएगा।
पे दया। क्या हुआ सर? डॉक्टर तारिका केबरी में मिले फिंगरप्रिंट्स इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहे। ये कैसे हो सकते डॉक्टर तारिका? इनमें से किसी ना किसी के उंगलियों के निशान मैच होने चाहिए थे। आप लोगों से कोई गलती हो गई होगी। नहीं यार दया, ऐसा नहीं है, हमसे कोई गलती नहीं। हो सकता है दया इनमें से कोई खूनी नहीं होगा, तो खूनी नहीं होगा तो फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होंगे? हो सकता है इस बार गलती आप लोगों से होगी। नहीं, मैं सही हूँ और मैं साबित भी कर सकता हूँ, खूनी इन्हीं में से कोई है और वो खुद ब खुद सामने आएगा। सामने आ जाएगा मतलब तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, कहेगा लीजिए दया जी मैंने खून किया, मुझे हथकड़ी पहना दीजिए। यार बात कर डॉक्टर साहब, इस बार ऐसा ही कुछ होगा। डॉक्टर साहब ने आप लोगों के हाथ पे एक केमिकल लगाया था, वो केमिकल रिएक्ट करेगा और वो केमिकल तब रिएक्ट करेगा जब आप में से जो खूनी है वो ऊपर टेरेस पे जाके पानी के टैंक के अंदर से वो रस्सी निकालेगा। वो रस्सी हमें तब मिल गई थी जब पहली बार हम लोग छत पे गए थे। तैयारी के साथ आया था। उस रस्सी पे हमने एक केमिकल लगाया है और वो केमिकल तब रिएक्ट करेगा जब आप लोगों के हाथ पे लगा हुआ केमिकल उसके कांटेक्ट में आएगा। आप लोगों के हाथ चमकने लगेंगे अंधेरे में, लाइट्स ऑफ। बस बहुत भाग लिया, अब और नहीं। तुमने अंकुश को क्यों मारा? तुम ही कंपनी के सीक्रेट्स बेच रही थी ना? और जब अंकुश तुम तीनों से पूछताछ कर रहा था, तुम जानती थी कि तुम्हें उससे छुटकारा पाना है, हाँ? मैं बहुत पहले से ही जानती थी कि मैं पकड़ी जा सकती, इसलिए मैंने प्लान बना के रखा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं अंकुश को मार दूंगी। तो तुमने अपने प्लान में सुमित को कैसे फंसाया और क्यों फंसाया? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी सबसे अच्छी सहेली को उससे दूर कर दिया था। मैं और कृतिका अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से सुमित उसकी जिंदगी में आया था तब से कृतिका उसकी बातें करती रहती थी। सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, सुमित ने ये किया, सुमित ने वो किया, सुमित सुमित सुमित। इस सुमित से मुझे नफरत होने लगी थी। दिन रात उसके साथ फोन पे लग रहती थी। इस सुमित के चक्कर में वो मुझे भूल गई थी। और आज सर के केबिन से निकलने के बाद कृतिका ने जब सुमित को फोन करके बताया कि गन को कहीं छिपा देना, मैं अपनी सहेली को मैं वापस पाना चाहती थी, और यही सही मौका था सुमित को फंसाने का। इसलिए तुमने अंकुश को मारने के बाद अपनी गन सुमित के गन के साथ बदल दी और अंकुश के शरीर पे जो गोली मिली वो उस गन के साथ मैच हो गई जिसकी वजह से सुमित फंस गया। और जब अंकुश अपने कैबिन में तुम तीनों पे भड़क रहा था उस वक्त तुमने छुपके से उस खिड़की का लैच खोल दिया। तुमने मौका पाके विंडो का लैच तब लॉक किया जब सब अंकुश की डेड बॉडी देख रहे थे, है ना?
तुम्हें कैसे मालूम कि सुमित के पास कौन सी गन है? कृतिका ने मुझे एक बार बताया था कि सुमित ने एक नई गन खरीदी है, ठीक वैसी गन मैंने भी खरीदी। और आज जब सुमित दोबारा ऑफिस में आया तो मुझे पता था कि वो गन फिर से कहीं बाहर रख के आया होगा, और मौका मिलते ही मैंने वो गन बदल दी। क्या फायदा हुआ तुम्हें ये सब करके? हाँ, तुमने एक दोस्त खो दिया और साथ में अपनी आजादी भी। पूर्वी ले जाओ इसे। लोग भी दोस्ती में क्या क्या करते हैं सर। आप रेडी? कुछ तो पीठ पे छुरा घोंपते हैं। हाय। हाय। झूठ बोला तुमने दया से? हाँ, भाई जैसा ना वो तुम्हारा, इस तरह से दिल दुखाया? कैसी बात कर रहे हो तारिका? मैं तो सपने में भी उसका दिल दुखाने के नहीं सोच सकता। उसको दुख ना हो इसलिए मैंने झूठ बोला। अभिजीत, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। तुम्हें दया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बताया था मैंने सच, उसे कड़वा सच। मैं सिर्फ ये जानने आया था कि श्रेया ने उस लड़के को वहां बोला है या नहीं। वो हाँ बोल दिया श्रेया ने, लेकिन जब मैंने दया का चेहरा देखा लगा जैसे किसी गोली ने उसके सीने को चीर दिया है। अरे यार, क्या लड़का है? नहीं, तबीयत खराब हो गई उसकी। मैं दया को इस हालत में नहीं देख सका। मैंने बात पलट थी, मैंने कहा कि मजाक था, सिद्धार्थ का परिवार तो आया ही नहीं। मैं जानता हूं ये गलत है तारिका, लेकिन ये गलत उस समय मुझे सही लगा। और दया का इतना इंपॉर्टेंट लेटर श्रेया को ना देना, ये भी तुमको सही लगा? क्या लगता है तुम्हें कि मैं जानबूझ के ये सब कर रहा हूं? मैं नहीं चाहता दया और श्रेया एक हो। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तारिका तुम मुझे गलत समझ रही हो। बहुत बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ। गया था मैं श्रेया के घर वो लेटर लेके। नमस्ते अभिजीत, तुम कहो अंदर आओ। श्रेया से थोड़ा काम था, वो है क्या? हाँ है, बैठो मैं उसे बुलाती हूँ, बैठ जाओ। अरे भाई, तुम्हारा ही काम करने आया हूँ यार। अरे भूल कैसे सकता हूँ, लेटर है मेरे पास, अभी दिया नहीं है। जैसे ही श्रेया आती है ये लेटर उसके हवाले कर दूंगा। हैं? अरे यार थोड़ा तो सब्र रखो यार। हाँ मैं करता हूँ। नमस्ते अभिजीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। लेकिन दया और श्रेया तो, मैं जानता हूं दया और श्रेया कुछ कहते नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के काफी करीब हैं। मगर मैं अब नहीं चाहता हूं कि श्रेया अपना फैसला बदले। ये तो दोनों के साथ ज्यादती होगी। आप अभिजीत, मैं मजबूर हूं, मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी जो मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं जानता, और अगर श्रेया ने इस शादी से इनकार किया तो वो लोग सारे पैसे वापस मांग सकते हैं, जो मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अंकल, ये तो श्रेया की जिंदगी का सवाल है। तो मैं क्या करूं, इतने पैसे कहां से लाऊं? श्रेया की माँ को हार्ट प्रॉब्लम है, तुम लोगों की जरा सी गलती हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। देखिए, अगर सिर्फ पैसे की बात है तो हम लोग मिलकर कोशिश कर सकते हैं। पैसा तो
नहीं नहीं वो बात नहीं है, पैसे का इंतजाम हो चुका है, बस एक डेढ़ महीने की बात। एक बार मैं उनके सारे पैसे लौटा दूं, उसके बाद तुम ये लेटर श्रेया को दे देना, लेकिन तब तक ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, प्लीज। ये आपने बड़ी मुश्किल में डाल दी है। तया से कोई बात छुपाना इतना आसान नहीं है। अब ये बात ना मैं श्रेया को बता सकता हूँ और ना तया को। तया तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो तो तुम्हें गलत समझ रहा है। इनफैक्ट नफरत करने लगा है वो तुमसे। जानता हूँ, वक्त ने गलत फहमी पैदा कर दी है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि सही वक्त आने पर सब ठीक भी हो जाए।